हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एकेएम इंडिया स्मार्ट चैनल में। हम आशा करते हैं कि आप सुखद और खुश होंगे। आज आपको कुछ बताने वाले हैं मॉर्फो। बहुत लोग मॉर्फो का आरडी सर्विस करने के लिए चाहते हैं बट उनसे हो नहीं पाता है, तो हम आज आपको मॉर्फो आरडी सर्विस रिचार्ज करके दिखलाएंगे। रिचार्ज कैसे होता है, रिचार्ज का अमाउंट क्या लगेगा, ये सब आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको बीच में कहीं ऐसा ना हो कि आपको रिचार्ज करने में कोई परेशानी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आप बीच में स्किप करके देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ना देखें। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम गूगल है, गूगल में हम यहाँ पर लिखेंगे आरडी सर्विस। आरडी सर्विस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, मेरे पास खुलकर ऑप्शन आएगा रिन्यू मॉर्फो आरडी सर्विस सब्सक्राइब। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पर आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने हम दे देंगे, उस पर डायरेक्ट आप उसे यहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जिसे लिख रहा है आप पढ़े बायोमेट्रिक डिवाइस जो है आपको सर्टिफिकेशन आपको रजिस्टर योर MSO 1300 से मैंने और सब सर्विस है डिवाइस विथ UIDAI के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिन्यू आरडी सर्विस, आप जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और सेटअप टू परचेज आरडी सर्विस फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, प्रोवाइड क्वांटिटी डिवाइस डिटेल्स यानी आपको सीरियल नंबर अनिवार्य है जो आप डिवाइस नंबर पर आपको मिलेगा। हम जिससे आपको लिंक में बता भी देंगे, आपको उसको फोटो भी दिखला देंगे कहाँ मिलेगा। जैसे आप लॉग इन टू कंप्लीट चेकआउट, यहाँ पर देख पा रहे हैं रिव्यू कार्ट एंड पेमेंट। जैसे आप यहाँ आरडी सर्विस पर क्लिक कीजिएगा तो एक न्यू ओपन टैब होगा, जिसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सीरियल नंबर जैसे मांगा जा रहा है, जो हम सीरियल नंबर इंटर करने वाले हैं, जो आप सीरियल नंबर देख सकते हैं। जैसे मैं सर्विस नंबर सॉरी सीरियल नंबर ऐड कर दिया, जैसे यहाँ लिखा है डिवाइस सीरियल नंबर, तो हम सीरियल नंबर एक आप लोगों को बीच में समझ में नहीं आता होगा उसके बारे में भी आपको हम पूरा खुलासा कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 2029, उसके बाद में आई है कि एल है, आप लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा कि वन है, आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत नहीं आता होगा इसलिए हम बता रहे हैं। ये आपको 2029 के बाद मॉर्फो में आई निश्चित आता है, इसलिए आई ही प्रेस करें बड़ा अक्षर में, इसलिए आई ही आता है। उसके बाद अपना सीरियल नंबर टोटल डाल दें और आपको यहाँ पे डिवाइस मॉडल, जैसे आप डिवाइस कौन सा डिवाइस को आप रिचार्ज करना चाहते हैं, मॉर्फो जैसे है 1300E, मॉर्फो 1300E2 और मॉर्फो 1300E3 हमको रिचार्ज करना है 1300E3 में। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे ऐड टू कार्ट, जैसे हम क्लिक करेंगे मेरा ऐड टू कार्ट में यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से हम देखिए दिख रहे हैं 375 रुपये आपको दिख रहा है, बट ये आपको 375 से ज़्यादा लगेगा, सर्विस चार्ज भी इसमें लगेगा जो सर्विस टैक्स बोला जाता है GST। और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे चेक आउट, यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताने वाले हैं और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बैक कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, यहाँ पर आप ले सकते हैं सर्विस 1 ईयर 2 ईयर, देखिए यहाँ पर जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तक आप सर्विस ले सकते हैं, आप जो करना कर सकते हैं। मैंने 1 ईयर के लिए लिया है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है वैलिडिटी 1 ईयर, हम इसको चेकआउट पर क्लिक करेंगे। जैसे चेकआउट पर क्लिक करेंगे मेरा ये पेमेंट प्रोसेस में आपसे लॉगिन आईडी पूछेगा, जैसे आप लॉगिन आईडी आपके पास ना हो तो न्यू क्रिएट, जैसे यहाँ पर लिख रहा है न्यू यूजर क्रिएट योर अकाउंट, यानी आप क्रिएट अकाउंट कर जा सकते हैं। अगर आपको क्रिएट अकाउंट ना करने आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में और मुझे कमेंट बॉक्स में चाहे व्हाट्सएप नंबर है मेरा उस पर भी आप
मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कि आपको अगला वीडियो भी मैं बना कर आपको दे दूंगा जो क्रिएट आईडी कैसे करें, जैसे न्यू आईडी क्रिएट करने के लिए आपको न्यू अकाउंट कैसे बनाएं, उसके बारे में भी एक दूसरा वीडियो आपको जल्द ही देने वाले हैं और उसका लिंक भी आपको मिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आपको डाल दिया करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पर डाल दिए। जैसे आपको यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है, जो भी पासवर्ड है वो इंटर हमने यहाँ से कर दिए और हम इसको साइनिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे मेरे साइनिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका एड्रेस क्या है, सब कुछ पहले ऑलरेडी मेरा भरा हुआ है, आपसे भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर जो भी है एड्रेस हमने डाल दिया, उसके बाद में यहाँ पर हम जो भी यहाँ के हैं वहाँ डाल देंगे, यहाँ पर जो भी है वो हम डाल देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर छपरा डालना है सिटी, जैसे हम तो सब कुछ डाल देंगे आपको। उसके बाद में मुझे क्या करना है, जैसे आप देख रहे बिल्डिंग एड्रेस, मैंने बिलिंग एड्रेस आपको कहाँ से परचेज आप किए थे वो डालना है, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, दुकान का नाम भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं और अपना एड्रेस डालिए। उसके बाद में यहाँ पर लिख रहा है मशरक सारण, यहाँ पर भी आपको ऑप्शनल है या डाल सकते हैं अन्यथा, यहाँ पर पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट और आपको सिटी अनिवार्य है चूज करना और अपना मोबाइल नंबर अनिवार्य है आपको देना, ठीक है। उसके बाद में आपको कंट्री चूज करना है और बिहार जो स्टेट है आपका, जो भी आपको बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आप भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट, जैसे यहाँ पेमेंट पर क्लिक करेंगे जैसे मेरा पेमेंट मोड में अब चला जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा सब कुछ आ गया, यहाँ पर आपको बता रहे थे जो, क्योंकि आपको 375 पे ही शो कर रहा है, बट यहाँ पर क्या है टैक्स, यानी टैक्सेस आपका 67.50 रुपया आपसे लिया जाएगा, यानी आपका 375 का 18% जो भी GST बन रहा है वो आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में देना ही होगा। और उसके बाद में आप यहाँ देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर आपको सब कुछ भरा हुआ मिला, यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर्स, जैसे आप कंप्लीट ऑर्डर कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि आगे आपको पेमेंट गेटवे खुलकर आ गया। आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड है, EMI क्रेडिट कार्ड है, मैंने जो भी EMI के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, वॉलेट में बहुत सारा आप देख पा रहे हैं आपको Amazon है, Paytm है, फ्री रिचार्ज है, ओला है, HDFC का जो पेजैप है, यस बैंक का वॉलेट है, बहुत सारा इसमें वॉलेट है, इसके माध्यम से भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद Paytm के आप माध्यम से भी कर सकते हैं, गूगल पे हो, UPI हो, चाहे फ़ोनपे, किसी के भी माध्यम से आप यहां से रिचार्ज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेट बैंकिंग से भी रिचार्ज करते हैं, हम आज नेट बैंकिंग से ही रिचार्ज करेंगे, मैं स्टेट बैंक चूज करता हूं और यहां पर प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा, जो मैंने मेरा यूजर आईडी पासवर्ड खुद का मेरा पूछा जाएगा, इसलिए मैं अपना खुद से यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आपको दिखाता हूं और रिचार्ज करके भी पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं पेमेंट का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, आप लोगों को जो यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिखा है क्योंकि मेरा सिक्योरिटी पर्सन है, प्राइवेसी चीज़ है, इसलिए आप लोगों को हम नहीं शेयर कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम जो भी मेरा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जिस अकाउंट से आपको करना हो कर सकते हैं, यहाँ कंटिन्यू टू पेमेंट आपको करना है, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछा जाएगा, मैंने दिन में भी रिचार्ज किया था इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है, फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर मुझसे पूछा जाएगा आपसे अपना ओटीपी शेयर कीजिए, जो भी ओटीपी आया होगा वो आपको शेयर करना है। जैसे मैं ओटीपी यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ, जो भी मेरा ओटीपी आया है मैंने ओटीपी शेयर कर दिया यहाँ पर, जैसे हम क्लिक करेंगे पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पेमेंट सक्सेसफुल बर्ग। वेट कीजिए, यहाँ पर आपको 10 सेकंड के लिए आपको टाइम पीरियड दिया गया है, इसलिए आपको 10 सेकंड वेट करना ही होगा। जैसे आप मार्चन पेमेंट देखिए, पेयू बीच इस गेटवे का नाम है, जैसे देखिए रजिस्टर्ड IDE, देखिए देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए रजिस्टर IDEMIA से आपको रजिस्टर्ड हो गया, मोरफो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सेंसर विथ UIDAI के तहत। अब
जैसे आप लोगों को रिचार्ज आपको अगर आप लगाते होंगे डिवाइस, तो यहाँ बताया जा रहा होगा कि आप कूपन नंबर थी यहाँ पे आईडी डालें, एक्टिवेशन आईडी डालें। उस एक्टिवेशन आईडी में आप इस ऑर्डर आईडी को डालें और कंटिन्यू कर दें। जैसे कंटिन्यू कीजिएगा तो आपका यूजर आईडी और आपका ऑर्डर आईडी कंप्लीट दिखाएगा और आप उससे कर सकते हैं, कोई उसमें आपको परेशानी नहीं होने वाली है। उसके बाद में यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, फोटो खींच लीजिए, ये सब कुछ ज़रूरत पड़ता है क्योंकि भविष्य में ऐसा मांगे तो आप इसको डाल सके। और हमें यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, फिर से मेरा न्यू अपना बना सकते हैं, न्यू यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को आपको दिखाने का मकसद ये था कि बहुत सारा ऐसे अभी कैंडिडेट हैं, ऐसे रिटेलर हैं जिनका जिनको भी रिचार्ज करने नहीं आता है आरडी सर्विस, उनको आसानी पूर्वक अपना यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा आपको बताने था कि आईडी क्रिएट कैसे करें, वो भी आपको हम मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको हम इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसके माध्यम से भी आपको कर सकते हैं अपना आरडी सर्विस का अकाउंट क्रिएट। चलिए, इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा वीडियो अच्छा ही लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।